जय हिंद दोस्तों, अनिल सर आईटी यूट्यूब चैनल आपसे यह बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट से लिस्ट रेलवे कोलकाता ही तो आपसे आईटी पास आउट कैंडिडेट के लिए हर साल अप्रेंटिसशिप निकल के आते रहता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2021 में आए हुए एक अप्रेंटिसशिप के बारे में जिसका ज्वाइनिंग चल रहा है। दोस्तों जिसका डॉक्यूमेंट रिवीजन भी हो गया था, कई सारे यूनिट है जिनका ज्वाइनिंग भी हो रहा है और आज जो आया हुआ है ईसीआर कोलकाता के जमालपुर की तरफ से, जिसमें जमालपुर आसनसोल मालदा की अप्रेंटिसशिप है। दोस्तों जिसका ज्वाइनिंग का जो मेरिट लिस्ट था 30 सितंबर को ही जारी किया गया था और आज जो है नवंबर हो रहा है, जो कि 5 नवंबर है और आज इसका ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हुआ है जमालपुर का। कई सारे यूनिट आपको देखे होंगे जिनका ज्वाइनिंग चल रहा है और अभी आज जो है 20 से 21 का जमालपुर का ज्वाइनिंग लेटर आया दोस्तों पोस्ट के माध्यम से। ठीक है, इसमें देखिए तो टोटल शॉर्ट लिस्ट जो कैंडिडेट थे यहाँ पे देखिए तो काफ़ी सारा सीट खाली था। अलॉटेड था 1190, बुलाया गया था 1781, लेकिन पहुंच पाए थे मात्र 433, जिसमें काफी सारे सीट खाली रह गए, 784 सीट खाली रह गया, जिसमें ज्वाइनिंग लेटर आना शुरू हो चुका है उसके बारे में आपको डिस्कस कर लें। इसके बाद आपको बता दें 2021 से 2022 का जो अप्रेंटिसशिप था उसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, कई सारे यूनिट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, इनका ज्वाइनिंग में भी टाइम है। और 2022 से 2023 की बात करें जिसका फॉर्म अक्टूबर में भराया था, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट आने में अभी काफ़ी टाइम है। और जहाँ तक अगर उम्मीद है, अगर एक एक्सपेक्टेड ये मंथ मतलब मंथ बता दिया तो आपको अप्रैल मई या मार्च अप्रैल मई के अंदर आपको देखने को मिल सकता है, उम्मीद है, ऐसा कंफर्म नहीं है। तो इस बार आपका सिलेक्शन हुआ था जमालपुर में, आसनसोल है, मालदा है, तो आप अपना पोस्ट के माध्यम से पता करते रहिए, आपको इस तरह से पोस्ट आया होगा। दोस्तों भारत सरकार का पोस्ट ऑल ऑर्डर है और जिसके माध्यम से देखिएगा तो एक सुनील कुमार पांडे हैं जिनको आया हुआ है, आद्या प्रसाद पांडे जो पिताजी का नाम है जो कि इलाहाबाद के रहने वाले हैं, इनको आया हुआ है और ये 87 नंबर पे हैं, इन्हीं का है फीटर है 87 नंबर पे हैं। ठीक है, 22 तारीख को ये पोस्ट के माध्यम से भेजा गया था लेकिन इनको आज पहुँचा हुआ है, 22 अक्टूबर को लेकर के इनको, वैसे 4 तारीख को पहुँचा हुआ है 4 अक्टूबर को। और ये और इनका जो ज्वाइनिंग का जो डेट, सॉरी यहाँ पे 11 महीना है 4/11 को, और यहाँ पे जो ज्वाइनिंग का डेट रखा गया 3 नवंबर को यहाँ पे दिया गया है। देखिए देख सकते हैं यहाँ पे इनका मतलब इनका जो आया हुआ 22 अक्टूबर को आया है और इनको रिसीव हुआ है 4 तारीख को, 4 नवंबर को, और बुलाया गया 3 नवंबर को। तो दिक्कत यहाँ पे इनको ये आ रही है, लिखा गया है कि इन रेफरेंस टू द अबव यू आर हेयर बाय एडवाइस टू रिपोर्ट टू द ऑफिस ऑन 3 नवंबर 2022, 3 नवंबर को आपको पहुंचना है विथ अलोंग विथ द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, सभी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसको लेकर जाना है, एक कॉपी फोटो स्टेट भी आपको ले लेना है, वो भी अटेस्टेड कराना है किसी गैजेट ऑफिसर से, आपको सेल्फ अटेस्टेड सॉरी गैजेट ऑफिसर से साइन कराना है। ठीक है, बीकॉम्स एडमिशन एंड ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिसशिप, आपको यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कर आने के पहले, और आपको आज जाना कहाँ, ईस्टर्न रेलवे लोकोमोटिव वर्कशॉप एट जमालपुर, यहाँ पर आपको जाके ज्वाइन करना है। ज्वाइनिंग के लिए डॉक्यूमेंट मांगा गया मैट्रिक एंड आईटी एडमिट कार्ड सर्टिफिकेट और मार्कशीट, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको ले जाना है, आधार कार्ड पैन कार्ड और 4 पासपोर्ट साइज फोटो, क्रॉस चेकबुक या पैन कार्ड या बैंक का पासबुक आपको ले लेना है, एक कास्ट सर्टिफिकेट ले लेना और आप ओबीसी एससी एसटी है तब। ठीक है, रिमार्क में लिखा गया है सब्जेक्ट टू मेडिकल डॉक्टर रजिस्ट्रेशन बैंक डिटेल एंड क्रॉस चेक एंड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट इशू बाय एसडीओ एट द ज्वाइनिंग में ट्रेनिंग, ज्वाइनिंग के समय आपको यहाँ पे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको एसडीओ लेवल का बनवा कर ले आना है। और यहाँ पर ज्वाइनिंग में आपका नाम भी देखें यहाँ पर रेफरेंस में भी वही लिखा गया था जो वहाँ पर लिखा गया है, दिखाना चाहेंगे, ये सुनील कुमार पांडे है, देखिएगा आद्या प्रसाद जी हैं पिताजी का नाम, और यहाँ पर इनका जो ये लिखा हुआ रिमार्क सेम एज ये लिखा गया है। देखिए तो उनको जो कहा गया उस समय जब वीडियो बनाया तो आपको बताया थे, ये जो रिमार्क में लिखा है उसको ठीक करने प्रयास कीजिए क्योंकि ज्वाइनिंग के समय आपको सब मांगा जाएगा। इन केस इट इज़ फाउंड एनी स्टेज डैट यू हैव सबमिटेड इज फेक सर्टिफिकेट, एडमिनिस्ट्रेटर रिसर्व द राइट टू लॉज ए क्रिमिनल केस अगेंस्ट यू एंड फॉर्जरी के केस आपको लग सकता है आपने डॉक्यूमेंट गलत सबमिट किया हुआ तो, एंड फ्रॉड विद इंटेंशन टू चीट द रेलवे एडमिनिस्ट्रेटरी इन द डिसीजन टू टर्मिनेटिंग द अप्रेंटिसशिप विदाउट एनी प्रियर नोटिस, और आपका बिना किसी पहले जन्म सूचना के आपका अप्रेंटिसशिप को रद्द भी किया जा सकता, तो इसका ध्यान रखना है।
से बताया गया कि इफ यू फेल टू अपियर इन एज इंडिकेटेड अबव योर कैंडिडेचर विल यू कैंसिल्ड। अगर आपको जो डेट ऊपर बताया गया और उस डेट पर आप नहीं पहुंच पाते तो आपका जो यहाँ पे जो आपको उम्मीदवारी थी उसको रद्द कर दी जाएगी। यू विल हैव टू अबाइड बाई द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द रेलवे जमालपुर वर्कशॉप ऑन ट्रेनिंग स्कूल एंड द टर्म एंड कंडीशन गिवन अंडर द अप्रेंटिसशिप 1961। एनी वायलेंस ऑफ द रूल्स विल लीड टू द टर्मिनेशन ऑफ योर एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विदाउट एनी नोटिस। कहा गया कि आपका अगर अगर आप इसमें नहीं जा पाते तो फिर आपका उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। तो तीन नवंबर को जाना था, 4-5 तारीख को उनको ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आया, तो क्या करें, यहाँ पर कैसे पहुँचे? तो आपको बताना है, जैसे ही आपको मालूम हुआ जल्द से जल्द अपना डॉक्यूमेंट सारा तैयार कर लीजिए और 1-2 दिन के अंदर आप यहाँ पे निकल जाइए, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे तो आपके तो गलती है नहीं, यहाँ पे गलती है कि वहाँ से पहले चला नहीं, पहले तो चला है लेकिन यहाँ पे आपको छुट्टियाँ होने की वजह से कई दिन छुट्टी चल रही थी बिहार में, लगातार 2-3 दिन का छुट्टी था जिसकी वजह से डिले हुआ है, नहीं तो आपको 3-4 दिन में अच्छा खासा पोस्ट आपको नज़दीक में देखने को मिल जाता, ठीक है? तो ये दिक्कत है, आपको दिक्कत आ रहा है 3 नवंबर को है तो कैसे 3 नवंबर को जाएंगे, अब तो डेट बीत गया। तो आप 10 तारीख तक भी जाइए और उनसे सारा सारे बातें समझाने की प्रयास कीजिएगा, ठीक है? इनका जो डॉक्यूमेंट रिवेशन हुआ था उसके बारे में आपको बता दें ताकि आपको आइडिया लग सकेगा इसके बारे में। तो देखिए, इसका फॉरम जो आया था 4 अक्टूबर 2021 को, इनका डॉक्यूमेंट रिवेशन हुआ था 2022 में जुलाई में, और इनका जो ज्वाइनिंग का जो मेरिट लिस्ट आया था 2 महीने बाद, देखिए अगस्त और सितंबर, मतलब 1.5 महीने बाद इनका ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट आया था। यानी कि डीवी कराने के लगभग 1.5 से 2 महीने आपको लग जाते हैं किसी भी जोन के मिनिमम ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट आने में। हालांकि कैसा यूनिट का तो आने में काफ़ी दिन लगता है, लेकिन आपको बता दें यहाँ पर आपको 2 महीना, डेढ़ महीना लगा है आपको मुश्किल से, यहाँ पे आपका जो है ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट आ चुका है। और 30 सितंबर को ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट आया था और आज जो है जा करके नवंबर में, यानी कि सितंबर से लेकर अक्टूबर तक 1 महीना 5 दिन के अंदर, 6 दिन के अंदर आपका ज्वाइनिंग मेरिट लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। फाइनली आपको 1 साल पूरा हो गया, 1 साल से भी ज़्यादा लग गया यहाँ पे ज्वाइनिंग होने में, फॉर्म भरने से लेकर के आज की ज्वाइनिंग तक 1 साल से भी अधिक हो गया। इतना ध्यान रखना पड़ता है ताकि आपका सिलेक्शन हो, ठीक है? इसका मेरिट लिस्ट आप डाउनलोड कर लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, और नया अप्रेंटिसशिप आया उसको फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कटअप भी दिया गया उसको भी देख सकते हैं। काफ़ी सारे यूनिट है जिनका अभी ज्वाइनिंग का मेरिट लिस्ट नहीं आया, थोड़ा सा इंतजार करिए, जैसे ही कोई अपडेट आती है तो आपको अपडेट करने की कोशिश करें, ठीक है? मिलता है अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही नीचे आएगा तो आपको एक हमारा दिखाई देगा ब्लॉग चैनल, वो भी हमने शुरुआत किया है और आप इच्छुक होंगे और तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पर अनिल सराइटी ब्लॉग करके इसको भी सब्सक्राइब कर लिए ताकि अपडेट वीडियोज आपको इस पर भी देखने को मिले। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट ब्लॉग करके वीडियो अपलोड है, उसको देखना मत भूलिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत धन्यवाद।